हैं बायोटेक, है ना। और बायोटेक में एग्जाम शायद है, कब है मुझे नहीं मालूम है। अगला जो टेस्ट है तुम्हारा जेनेटिक्स का ही तो है ना, शायद अगला टेस्ट तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन का ही देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है किसी को। ठीक है, संडे को होगा, और क्या संडे को। अरे नीट की अभी डेट नहीं है, नीट का भी डेट नहीं है, आएगा तो पता चल जाएगा, अभी कुछ नहीं, वो सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं हो। चलो, तो बायोटेक में हम लोग कर क्या रहे थे कि हमें थोड़े से एक दो टॉपिक डिटेल से करने थे, जहां पर तुम फंस जाते हो। और इनसे मैंने वो जो वीडियोस बनाए उसमें थोड़ा डिटेल नहीं दी। यहां देखो, ध्यान से समझना चीजों को। तुमने बच्चा क्या किया, अपना सेल ले लिया, और ये बच्चा आपका है डीएनए, ये बच्चा आपका है डीएनए, और उसके अंदर है बच्चा लोग, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैं बहुत सारे नाम से जानता हूँ, आपको अच्छे से आता है। इसका नाम जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसी का नाम डिजायर्ड जीन है, इसी का नाम फॉरेन डीएनए है, एलियन डीएनए, कई सारे नाम। याद है आपने सबसे पहले स्टेप में क्या किया था, डीएनए को निकाल लिया था, आपको अच्छे से बताया था ना। फिर आपने क्या किया, यहां से डीएनए को काटा, डीएनए को काटा जेनेटिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और आपने डीएनए के कई सारे टुकड़े, वहां से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया, और वहां से आपने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया, ये बच्चा है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए इंसुलिन जीन का है, इसे आपको क्या करना है, इसे भेजना है बच्चा आपको बैक्टीरिया के अंदर। कहां भेजना है, बैक्टीरिया, होस्ट है ये बच्चा, ये होस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर के से, सर बिना वेक्टर का, हाँ भेज सकते, अच्छा वाला तरीका है कि आप वेक्टर ले लीजिए, वेक्टर भी एक डीएनए है, और इस वेक्टर डीएनए को काटिए, ये डीएनए खुल जाएगा, देखिए बच्चे यहाँ डीएनए खुल गया ना। अब क्या कीजिए, आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां जोड़ दीजिए, देखिए आपका डीएनए वेक्टर प्लाज्मिड के डीएनए से जुड़ गया, तो इसी को हम कहते हैं आरडी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसी को कहते बच्चा काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। बोले हाँ सर, यहां तक तो हमें अच्छे से आता है, डीएनए लाइक स्केल से जुड़। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, इस वेक्टर को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना, जिसमें फॉरेन डीएनए आ चुके हैं, उसे आपको होस्ट में डालना है, होस्ट में डालना है। प्रोसेस का नाम आपको अच्छे से आता है बच्चा, अच्छे से आता है ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, इस प्रोसेस का नाम है बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सोचो ये बेटा होस्ट कौन है, ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर तुम्हारा जीन चला गया, तुम्हारा जीन बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इसलिए हमने एनसीईआरटी के लैंग्वेज में से कहते बच्चा हेटरोलोगस होस्ट, तुमने अपना जीन, अपना जीन, इंसान का जीन, अरे प्रोकैरियोट्स में डाला, तो तुम्हारे जीन के लिए होस्ट कौन हो गया, होस्ट कौन हो गया, तुमने अपना जीन प्रोकैरियोट्स में डाला, अरे तो हमारे जीन के लिए वो होस्ट होमोलोगस या हेटरोलोगस। अगर तुम अपना जीन लेते और एनिमल्स में डालते, एनिमल का जीन एनिमल्स में, प्लांट का जीन प्लांट्स में, बैक्टीरिया का जीन बैक्टीरिया में, होमोलोगस। लेकिन आपके एनसीईआरटी क्या वर्ड यूज किए, हेट्रोलोगस, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तुमने अपना जीन प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में डाला। अब सोचो ये तुम्हारा जीन है ना, क्या ये बैक्टीरिया का जीन है, बैक्टीरिया ने लाइफ में देखा है, उसके माँ बाप ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, क्या इंसुलिन जीन कभी लाइफ में देखा है क्या, नहीं सर नहीं देखा है, इसलिए बैक्टीरिया बोलेगा मेरे लिए ये वाला डीएनए एलियन है, लगता है बाहर के प्लेनेट से आया, मेरे लिए ये फॉरेन जीन है, फॉरनर है, आया समझ में, एलियन वर्ड एनसीईआरटी में कई जगह यूज किया गया है, एलियन मतलब बाहर, तो बैक्टीरिया के लिए तुम्हारा जीन कैसा है ना, बाहरी है ना, तो यहां पर दो वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, हेटरोलोगस डिफरेंट, डिफरेंट होस्ट हेट्रोलोगस, और एलियन कहने का मतलब है तुम्हारे लिए ना, बैक्टीरिया के लिए तुम्हारा जीन कैसा है, बाहरी है ना, इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया, एलियन। अब देखो
सर यहां तक समझ में आ गया, हमें तो अच्छे से आता है। अब सोचो ध्यान से देखना इस फिगर को। ये बेटा देखो, ये होस्ट यानी बैक्टीरिया और उसके अंदर में ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का लाइन है। देखो प्रॉब्लम होता क्या है ना, एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट थोड़े वर्ड्स यूज करती है, बस तुम्हें सीखना है। बैक्टीरिया के अंदर में चला गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा बच्चा? डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से क्या बनता है? ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, इसी प्रोटीन को आपकी एनसीईआरटी कहती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आपकी एनसीईआरटी इसी प्रोटीन को कहती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बना उसी को आपकी एनसीआरटी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहती है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है। आपने अपना जीन बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया ने उसका प्रोटीन बना दिया, तो ये प्रोटीन ना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाती है। क्लियर यहां तक? अब बताओ क्या यहां कौन सा प्रोटीन बन गया? मान लो बच्चे यहां इंसुलिन हार्मोन बना था। अरे हार्मोन भी तो एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन ये बैक्टीरिया कितना इंसुलिन हार्मोन बनाएगा? एक बनाएगा, दो बनाएगा, चलो 100 बना लिया। मान लो बच्चा 100 इंसुलिन हार्मोन बना दिया, 100 बना दिया, क्या 100 से पूरे वर्ल्ड सप्लाई कर दोगे? पूरे दुनिया में तुम्हें बेचना था, तुम्हें 1,000 लीटर इंसुलिन हार्मोन बनाना था और तुम्हें कितना मिला? 100 मिला ना, तो क्या तुम इतने से पूरा वर्ल्ड में सप्लाई कर दोगे? नहीं सर। तो हम क्या करें सर, फ्लास्क में ग्रो करा दे क्या? देखे ना सर, ये फ्लास्क ले लिया 10 ml का है और यहां पर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया। देखे ना सर, पांच बैक्टीरिया हो गए, पांच बैक्टीरिया हो गया, तब तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अरे बेटा, पांच बैक्टीरिया से कितना इंसुलिन हार्मोन बना लोगे? इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला हम इसे लार्ज स्केल में ग्रो करेंगे, एक बड़े से स्केल में ग्रो करेंगे, एक टैंक में ग्रो करेंगे, जिसका साइज 100 लीटर से 1,000 लीटर तक पॉसिबल है। इसी का नाम आप बताइए क्या नाम देंगे? जब लार्ज स्केल में आप ग्रो कीजिएगा, एक बड़े से कंटेनर में ग्रो कीजिएगा, क्योंकि पूरे दुनिया में आपको सप्लाई करना, अभी वैक्सीन बनाना है, तो बेटा 1 ml वैक्सीन बना के तुम क्या करोगे? तुम्हें तो पूरा इंडिया में बेचना है, 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। क्या चूजा सा घर में ट्यूब में बना ले? नहीं सर, हम बड़े से वेसल्स में बनाएंगे। इसका नाम होगा बायो रिएक्टर। यही क्वेश्चन आता है, बायो रिएक्टर। बड़ा, जैसे तुम अभी घर से बाहर निकलो तो वहां पर कभी पानी का टैंकर मिल जाएगा, दिल्ली वगैरह जाओगे तो पानी का टैंकर मिल जाएगा, दूध का टैंकर मिल जाएगा, दूध, अरे पेट्रोल का टैंकर तो सबने देखा है, जिसपे HP वगैरह ये सब लिखा हुआ रहता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो जैसे वो टैंकर होता है, वैसे ही टैंकर में हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। इस टैंकर का ही नाम रहेगा बेटा बायो रिएक्टर। मेरे में से बायो रिएक्टर क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेस करो। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर? हेट्रोलोगस समझ में आया? तुम्हारा जीन बैक्टीरिया। क्या तुम्हें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन समझ में आ गए? एलियन डीएनए समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। हमने सर वीडियोस को देखा भी तो है, हमने वीडियोस को देखा भी तो है सर, इसलिए हमें 100% समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। लेकिन सर दिक्कत क्या है ना, जब हम लोग क्लास 12th में थे सर, तो बायो रिएक्टर समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने बेटा फिगर बनाया, एक्सप्लेन नहीं किया ना। बायो रिएक्टर जहां लार्ज स्केल में ग्रो कीजिएगा, आपकी एनसीआरटी दो तरह की बायो रिएक्टर यूज करें। एक का नाम है बच्चा सिंपल सिंपल, एनसीईआरटी में फिगर बना है देख लीजिएगा, स्टायरर स्टायरर बायो रिएक्टर यही है ना। एनसीईआरटी में दो फिगर भी बने हैं सर। स्टायरर मतलब समझ में नहीं आया? कुछ नहीं कीजिए, एक अपने घर में कप ले लीजिए, चीनी डाल दीजिए और उसे घुलाइए। कैसे घुलेंगे? चलाते रहिए, ऐसे घूम जाएगा? नहीं बच्चा, आप कप लिया, चीनी डाला, चम्मच लीजिए, स्टायरिंग, यही है बेटा स्टायरिंग, घुमाना, घुमाइए तेजी से, अपने आप मिक्सिंग हो जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट सिंपल स्टायरर बायो रिएक्टर। कप लिया, चीनी लिया और यहां है बेटा घुमाने के लिए चम्मच, हो गया। चलिए सर, एक और है ना, ये तो एकदम समझ में नहीं आता सर, स्पार्जर। हमने पढ़ा तो था सर, बाउंस करके, स्पार्जर स्पार्जर एनसीईआरटी में फिगर बना है, हम सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना, हम सीखेंगे, स्पार्जर भी सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक बायो रिएक्टर पे ही। अब देखो क्या करना है, अब ध्यान से सुनो।
सर बायो रिएक्टर तो सर 1,000 लीटर का होता है, आपने बोला कि ऐसा बना होता है सर, और ये हमने 1,000 लीटर ले लिया और यहाँ पर न्यूट्रेंट मीडियम डाल दिया सर, कल्चर मीडियम यानी कि लिक्विड मीडियम डाल दिया, उसके अंदर में हॉर्मोन्स होगा, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, विटामिन होंगे, सब कुछ डाल दिया और बैक्टीरिया को ले जाके यहाँ छोड़ दिया। बैक्टीरिया बेटा लार्ज स्केल में ग्रो करेगा, 1,000 लीटर है ना, खूब ग्रो करेगा, हफ्तों दिनों तक, 10 दिनों तक ग्रो कराते जाए, खूब ग्रो करेगा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप कभी साइंटिस्ट बन गए तो डायरेक्टली बेटा बायो रिएक्टर में ग्रो मत करा दीजिएगा। कंपनी वाला बोलेगा बेवकूफ साइंटिस्ट है, महा बेवकूफ साइंटिस्ट है। सर क्यों, इतना अच्छा तो काम कर रहे। अरे बेटा मीडियम कौन सा यूज किया, आप कई तरह के ना मार्केट में कई तरह के मीडियम अवेलेबल है, आप कौन सा मीडियम बायो रिएक्टर में यूज करोगे? आपने जो बैक्टीरिया बनाया वो किस मीडियम में ग्रो करेगा? आपने बना तो दिया और वहां बैक्टीरिया अपना डाला, ग्रो ही नहीं कर रहा है। अरे ग्रो ही नहीं कर रहा तो 1,000 लीटर वेस्ट नहीं हो जाएगा? इसलिए सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम यूज करें। अंदर में बैक्टीरिया को टेम्परेचर कितना चाहिए, उसको बेस्ट ग्रोथ कराना है ना, बैक्टीरिया को खूब केयर कीजिए। बैक्टीरिया का केयर करोगे बैक्टीरिया खूब ग्रो करेगा, खूब ग्रो करेगा खूब इंसुलिन बनेंगे। तो आपको मेन फोकस करना कि टेम्परेचर कितना यूज, मान लो से बेटा चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, आपको टेम्परेचर 25 डिग्री ही तो रखना पड़ेगा। सर पीएच भी तो इंपॉर्टेंट है सर, हाँ पीएच भी चाहिए, मान लो से चाहिए 6.5 डिग्री सेल्सियस और आप दे रहे हो बेटा 8 पीएच, 6.5 पीएच, बेटा सीए 6.5 पीएच, ठीक है, और आप उसे दे दिया 8, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा बेचारा। आपको तो बेस्ट ग्रोथ कराना है, और इतना बड़ा बायो रिएक्टर बेटा ऑक्सीजन नहीं डाला, ऑक्सीजन नहीं डाला मर जाएगा, इसलिए आपको बैक्टीरिया का पूरा केयर करना है। तो सर केयर कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना चाहिए, पीएच कितना चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कौन सा मीडियम चाहिए? आपका सिंपल उपाय, आप ऐसे ऐसे 4 ट्यूब ले लीजिए, ए ट्यूब, बी ट्यूब, सी ट्यूब और डी ट्यूब। आपको क्या करना है, बायो रिएक्टर के चक्कर में अभी नहीं फंसना है, वो अगले हफ्ते, अभी आज का काम है ना। आप क्या करोगे, यहां पास आपने 5 ml बेटा, ओनली 5 ml, 5 ml, ये अलग मीडियम, मीडियम ए डाल दिया, यहां मीडियम बी डाल दिया, यहां मीडियम सी डाल दिया और यहां मीडियम डी डाल दिया। 4 तरह के मीडियम आपने लाए जहां बैक्टीरिया ग्रो करना पसंद करता है, और यहां बैक्टीरिया डाल के छोड़ दिया। देखते हैं कि केवल सी में उसका अच्छा ग्रोथ होता है, सी में बच्चा अच्छा ग्रोथ होता है, देखिए सी में अच्छा ग्रोथ होता है, तो आप कौन सा मीडियम यूज कीजिएगा? आपको पता चल गया, अरे भाई कल्चर मीडियम जो बनाएंगे ना वो सी वाला बनाएंगे, सी में अच्छे से ग्रोथ करता है, इसलिए बायो रिएक्टर में कौन सा मीडियम यूज करना है आपको पता चल गया, आपका वेस्ट भी नहीं हुआ। नहीं तो आप बी वाला मीडियम लेते, 1,000 लीटर पहले डाल देते और बैक्टीरिया को डालते, बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करता। तुम चला रहे हो 10 दिन तक, लाखों रुपए खर्च कर दिए और बेटा मिला क्या, लड्डू, पूरा वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए सबसे पहले मीडियम कौन सा सेलेक्ट करना है अब स्मॉल लेवल पे पता करें। सर टेम्परेचर कैसे पता करें, चलिए आपको तो समझ में आ गया, आपने यहां पर वही 5 ट्यूब ले लिया, 4 ट्यूब ले लिए, इसका टेम्परेचर रख दिया 20, इसका रखा 25, इसका रखा बेटा 35 और इसका रखा बच्चा 40, आपने डाल दिया, आपने मीडियम डाला वही जो बेस्ट मीडियम था डाल दिया, बैक्टीरिया डाल के छोड़ा। तो देखते हैं कि हमें 25 पे बैक्टीरिया सबसे बेस्ट ग्रोथ कर रहा है, 25 पे बेटा बैक्टीरिया सबसे बेस्ट ग्रोथ कर रहा है, जो बैक्टीरिया सबसे ग्रोथ सबसे अच्छा पसंद कब करता है, 25 पे। तो तुम्हें पता चलेगा ओ बायो रिएक्टर में टेम्परेचर 25 डिग्री ही फिट रखना है, इससे ना ज्यादा आगे ना पीछे, नहीं तो ग्रोथ ही नहीं होगा। इसी तरह से आपने क्या किया, पीएच वाला निकाल लिया, सब में यहाँ पर पीएच डाल दिया 7, यहाँ 6, यहाँ 6.5 और यहाँ बेटा 8। देखते हैं कि 6.5 पीएच पे सबसे बेस्ट ग्रोथ हो रहा है, तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको अभी बायोरिएक्टर का यूज नहीं करना है, अभी स्मॉल लेवल पे चेक करना है, 5-5 ml पे चेक कर लिया तो पता चल गया भैया कि मीडियम हमें सी वाला चाहिए, चलिए भाई सी मीडियम ही यूज करेंगे, हमें टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वहीं पर बेस्ट ग्रोथ करता है। अरे लाखों बैक्टीरिया है ना, हर बैक्टीरिया अलग अलग ग्रोथ करना पसंद करता है,
अलग अलग टेम्परेचर पे रहना पसंद करता है। अब कोई आर्की बैक्टीरिया है उसे देखो 37 ग्रो ही नहीं करेगा, तो तुम्हें तो मालूम है ये सी। और सब बैक्टीरिया का पीएच भी अलग अलग होता है, अलग अलग कंडीशन में रहना पसंद करता है, तो हमें चाहिए 6.5। ठीक है, और कितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी चेक कर ले। तो हमें बेटा बायोरिएक्टर में ये चार चीजों पर ध्यान रखना है, यानी कि तुम्हारे घर में अच्छा खाना बनाना है तुम्हें, तुम्हें आता ही नहीं खाना बनाने, तो तुम देखोगे ना टेस्ट अच्छा रहे, टेस्ट पे तो सबसे ज्यादा काम करोगे, तो कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालना है, कितना क्या डालना है, फलना डालना है, ढकना, जो भी डालना है, तो आप उसका पूरा केयर करने हो। ये आपका बच्चा खाना है, रेसिपी है, और इस रेसिपी को बेस्ट बनाना है, तो बेस्ट बनाने के लिए पहले क्या एक बार में बिरयानी बना देते हो क्या? तुम्हें बोला गया है बिरयानी बनाना है अगले हफ्ते 20 आदमियों का, 50 आदमियों का, तुम्हें तो आता ही नहीं, तो तुम बोलेगा पहले तो अपना बना के एक बार चेक कर लेना, कल बनाओगे बिरयानी, थोड़ा देख लिया रेसिपी, देख लिया ओ यही रेसिपी है, बस वहां पर लार्ज स्केल में ग्रो कर देना। या तो तुम उसी दिन 50 आदमियों पे एक्सपेरिमेंट किए ना और फेल हो गया ना, तो सभी लोग जूता मारेगा, बोलेगा वहां बेकार आदमी है भाई, क्या खिलाया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो तुम घर पे भी ऐसा करते है, साइंटिस्ट लैब में करते है, साइंटिस्ट यही चीज लैब में करते हैं। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले हम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बायोरिएक्टर पे आते हैं। एनसीईआरटी का पहला बेटा स्टायर, कुछ नहीं करना, ये देखिए ये आपका स्टायरर बायोरिएक्टर बन के तैयार, ये स्टायरर बन गया, ये स्टायरर बन गया। बोले ठीक है सर क्या करना है? अरे सबसे पहले सफाई, ये बेटा कंटेनर है, सफाई कीजिए। बोले मतलब सर सुबह में साबुन वाबुन लेके आए और सरफ लेके आएंगे धो देंगे? अरे बेटा वो सब नहीं, साइंटिस्ट लोग हैं, सफाई साबुन से नहीं करना है। सर क्यों? प्रॉब्लम बता रहा हूं। यहां बेटा तुमने मीडियम डाला, 1000 लीटर डाल दिया, न्यूट्रिएंट व्यूट्रिएंट पूरा है, हार्मोन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है, और यहां बेटा गंदा वाला ना, कुछ बैक्टीरिया पहले से पड़े हुए थे, फंगस पहले से पड़े हुए। अरे खाना पीना पूरा भरपूर है, यही ग्रो कर जाते, अनवांटेड वाले ग्रो कर जाएंगे, अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तुम्हें बेटा कराना था व्हाइट वाले को, और यहां तो पहले से रेड वाले थे, वही ग्रो कर जाएंगे, तो तुम इसकी सफाई करोगे? सर सफाई कैसे करें? अरे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बच्चा, यहां से स्टीम मतलब कि भाप वाला ना, भाप डाल देना, स्टीम डिस्टिलेशन या स्टरलाइजेशन की ना, स्टरलाइजेशन कर दीजिए, मानी पूरी की सफाई कर दीजिए, स्टीम डालिए, अंदर के जितने बैक्टीरिया है जितने भी फंगस है वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे ना। तो सबसे पहले आपको सफाई कैसे करनी है, पहला काम, जैसे ठीक है जैसे आप खाना बनाने गए तो सबसे पहले आप अरे कढ़ाई का जो भी वेसल से उसकी सफाई तो करते हो ना, कि उसी में बनाते हो गंदे वाले में नहीं, तो यहां पर तरीका अलग है। यहां पर आपको हीट स्टीम डिस्टिलेशन या स्टरलाइजेशन कीजिएगा, डिस्टिलेशन है स्टरलाइजेशन करती है। बोले ठीक है सर सफाई होगी, सफाई होने से क्या होगा, ये सब बैक्टीरिया जो थे अनवांटेड थे फंगस थे वो मर गए। ठीक है, अब आप मस्त मीडियम डाल दीजिए, 1000 लीटर आपने मीडियम डाल दिया है, ठीक है। अब आप बच्चा यहां पर बैक्टीरिया को लाके छोड़ दीजिए, एक बैक्टीरिया लाके छोड़ दीजिए, बैक्टीरिया को बोला गया बेटा मस्त ग्रो कर, मस्त ग्रो करते जा, टेंशन मत ले तू, आराम से ग्रो कर। बोले ठीक ग्रो कर रहा हूं, यहां से ध्यान से सुनिएगा, मस्त ग्रो कर। लेकिन आपको मैं एक चीज बता, ये बहुत जगह काम आएगा, इकोलॉजी में काम आएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आएगा, और बायोटेक में काम आएगा। सर क्या? देखो बच्चा ये दूध है, ये दूध है, दूध के अंदर में तुमने डाल दिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना, तो ये बैक्टीरिया जाकर के तुरंत नहीं ग्रो करता, पहले वहां जाएगा अपने आप को अडेप्ट करेगा, अडेप्ट करेगा, पहले आएगा लैग फेज, ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा, ये कहलाया बच्चा लैग फेज। ठीक, एक बार अडेप्ट हो गया तो उस कंडीशन में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि वहां खूब मीडियम थे, खाने पीने की चीजें थी। इसी को कहते बेटा लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। ये जब आप पॉपुलेशन का ग्राफ पढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में वहां आएगा, जब आप पढ़िएगा बच्चा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वहां आएगा। ठीक है, तो ये लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज होगी, ये जहां बहुत तेजी से ग्रो करेगा। अब एक टाइम आएगा कि न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो जाएंगे, अरे
न्यूट्रिएंट सारा खत्म हो गया, न्यूट्रिएंट सारा खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गए, अंदर में वेस्ट मटेरियल हो गया, पीएच चेंज हो गया ना, सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो गए, तो इसका ग्रोथ बच्चा रुक जाएगा, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। तो मुझे बताइए बेस्ट फेज कौन सा है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ करेगा? लॉग फेज। लेकिन लॉग फेज में मेंटेन करने के लिए उसे प्रॉपर लगातार न्यूट्रिएंट मिले, ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट मिले और प्रॉपर पीएच टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ना। जैसे दही, आपने दूध लिया, लैक्टोबैसिलस डाल दिया, खूब सारा लैक्टिक एसिड बना, खूब बेटा यहाँ लैक्टिक एसिड बना दिया, इतना लैक्टिक एसिड बना, इतना ज्यादा पीएच घट गया कि बेटा बैक्टीरिया ही मर गया। तो ऐसा नहीं कि दही खट्टा होते जा रहा है, एक हफ्ता और छोड़ दो और खट्टा होगा, नहीं, इतना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनाया उस पीएच घट गया, उसी एसिड के चलते बैक्टीरिया मर ना। लेकिन हम लोग क्या करते, अगर पीएच को घटा देते, न्यूट्रिएंट जो यूज हो गया खराब वाले न्यूट्रिएंट हटा देते, नया मीडियम ऐड कर देते, तो बैक्टीरिया वहां पर ग्रोथ करते जाता, हम यही यूज करें। अब बताओ मुझे मोस्ट फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज कौन है, आंसर करो। जहां पर बैक्टीरिया सबसे तेजी से, सबसे अच्छे से ग्रोथ करता है, बोलिए फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज कौन है, फटाफट बताइए। लॉग फेज, यही नीट के पेपर का क्वेश्चन था और एनसीईआरटी में ये वर्ड मिलेगा, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, आंसर इज द लॉग फेज। अब मुझे बताओ बायो रिएक्टर में किस फेज में रखना पसंद करोगे, लैग में, लॉग में, स्टेशनरी में? सर लॉग फेज में रखेंगे। हाँ बेटा लॉग में रखिएगा, तभी तो वो तेजी से ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा। प्रॉब्लम है सर ऑक्सीजन नहीं है। सर आपने 1000 लीटर यहाँ ले लिया मीडियम, 1000 लीटर मीडियम ले लिया, बैक्टीरिया को डाल दिया, बैक्टीरिया ग्रो करते जा रहा है। लेकिन सर ऑक्सीजन नहीं है, मर्ज नहीं जाएगा। हाँ ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए। तो हमने बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पास स्टेराइल एयर, बेटा स्टेराइल समझ में आ रहा है ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया वैक्टीरिया ना हो, प्योर एयर, स्टेराइल एयर का सप्लाई करेंगे। अब ये एयर गया, एयर यहां पास है बच्चा, एयर यहां पास है, ऑक्सीजन यहाँ है, स्टेराइल एयर बता यहां पर ऑक्सीजन डालना। लेकिन क्या ऑक्सीजन 1000 लीटर में मिक्सअप हो गया? नहीं बेटा नहीं हुआ, वो तो नीचे में है। तो सर कैसे मिक्सअप करे? ध्यान से सुनिएगा इस बार कहानी को, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहां पास एक मोटर लगाएंगे, ध्यान से सुनना, रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर लगा दिया जिसका नाम है मोटर। बोले ठीक है सर, ये मोटर क्या होगा? ये चलेगा बेटा, ये चलेगा, घूमेगा। और यहां पर बेटा ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया, आपकी एनसीईआरटी, इसे इंपेलर कहते हैं। फैन, जैसे आपका पंखा भी चल रहा है ना ऊपर में, वैसे ही फैन की तरह, फैन मतलब ब्लेड, उसी को इंपेलर कह दिया। अब देखिए यहां पर लगा दिया गया है, बोलिए सर फायदा क्या है? अरे नीचे से जो ऑक्सीजन जा रहा था ना, ये तेजी से घूमेगा, ये ब्लेड फैन लाइक स्ट्रक्चर तेजी से घूमेगा, तो प्रॉपर ऑक्सीजन सारे जगह मिक्स होते जाएंगे, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। तो ये तेजी से फैन घूम रहा है, नीचे से एयर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, घुमा रहा है ना, तो प्रॉपर मिक्सिंग हो गई, बहुत अच्छी बात। सर न्यूट्रिएंट आपको लगातार बेटा न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करना है, क्योंकि बैक्टीरिया ने एक बार न्यूट्रिएंट यूज कर लिया, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा। तो सर बार बार न्यूट्रिएंट डालेंगे तो उनका मिक्सिंग कौन करेगा? यही बच्चा, यही, ये जो आपका इंपेलर बनाया गया ये मूव करेगा, और जो भी न्यूट्रिएंट है अंदर में प्रॉपर मिक्सिंग करेगा। तो ये इंपेलर जो ब्लड है उसका दो काम, ऑक्सीजन का मिक्सिंग तो करना ही है, मीडियम में जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, हॉर्मोन, उनका प्रॉपर मिक्सिंग कराने के लिए क्या है हमारे पास, ब्लेड है। तो मोटर चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है सर क्या, जब खूब न्यूट्रिएंट मिक्सअप हो जाएगा तो यहां पर बच्चा बन जाएगा फोम, झाग बन जाएंगे। सर कैसे? घर में यूज करो, एक ले लो, एक कप ले लीजिए, पानी डालिए, सर्फ डाल दीजिए उसमें, घर में सर्फ है ना, वो डाल दीजिए, क्या होता है, घुमाइए, चम्मच से घुमाइए तेजी से, तो धीरे धीरे यहां झाग बन जाएगा, फोम,
और फोम जो बन जाएगा तो बाहर से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, बाहर से भी ऑक्सीजन आना है, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अरे एक्सचेंज नहीं होगा तो फोम तो बड़ा खराब चीज है, फोम को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस मोटर में ऊपर के साइड भी ब्लेड लगे हैं, ऊपर की तरफ भी ब्लेड लगे हैं। सर ऊपर की तरफ से फायदा, ऊपर वाला जो ब्लेड है घूमेगा, फोम को हटाएगा, झाग को हटा देगा, ऊपर वाला फोम को हटा देगा, झाग को हटा देगा, नीचे वाला मिक्सिंग करेगा, नीचे वाला घूम रहा है मिक्सिंग हो रहा है, झाग बना झाग को हटाइए जिसे ऊपर से एक्सचेंज प्रॉपर हो सके। चलिए यहां तक समझ में आ गई। सर मोटर आप जो चला रहे हो सर इतना ज्यादा, तो सर टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा, मोटर तो मशीन है सर, तेजी से घूमेगा घूमेगा तो सर टेम्परेचर हीट तो बढ़ जाएगा ना। और सर आपने बोला था 25 डिग्री सेल्सियस, कैसे पता अंदर में कितना टेम्परेचर चल रहा है? हाँ इसलिए हम लोग यहाँ पास एक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एपरेटस मशीन लगाते, डिजिटल है, जैसे थर्मामीटर में कैसे होता है आपने डाला टेम्परेचर पता चल गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा बताते रहेगा कि अंदर का टेम्परेचर कितना चल रहा है। मान लो बेटा है 35 और चाहिए कितना था 25, ग्रो नहीं करेगा सर, तो टेम्परेचर बढ़ गया सर तो प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरिया तो ग्रो ही नहीं करेगा। हाँ इसलिए हमने बायो रिएक्टर में एक जैकेट लगा रखा है, बायो रिएक्टर में हमने एक जैकेट लगा दिया है, जैकेट। बोले सर ये क्या करेगा? अरे टेम्परेचर अगर बढ़ा ना तो जैकेट से हम लोग कोल्ड वाटर ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा पानी डालने से बोलो क्या होगा, चारों तरफ से अगर ठंडा पानी हम लोग रख दे जैसे तुम्हें बुखार लगता था तो ठंडा पानी का तुमने पट्टी बना लेते थे तो टेम्परेचर घट नहीं जाता था। सेम कॉन्सेप्ट आपने क्या किया, आपने वहां पर क्या डाला, आपने कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन कराया तो अंदर का टेम्परेचर घट गया तो आप टेम्परेचर को कंट्रोल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सर टेम्परेचर का घट गया तो अरे गर्म पानी डाल दो, लेकिन टेम्परेचर घटेगा क्यों, मोटर चलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, घटता थोड़ी है। चलिए ठीक है अब देखिए, यानी तुम्हारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी है। सर इतना सारा मिक्सिंग हो रहा है तो सर पीएच भी तो घट बढ़ सकता है एकदम, इसलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है, आपके एनसीईआरटी ने यहां पास पीएच को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लगा दिया। यहाँ पर पीएच बार बार दिखाते रहेगा, पीएच कितना चल रहा है, पीएच कितना चल रहा है। मान लो यहाँ पर पीएच दिखा रहा है बेटा 7 और तुम्हें चाहिए था 6.5, बोलो क्या करेंगे? पीएच कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा? सर आपने कितना बोला सर 7 है और 6.5 करा, सर एसिड डाल दो ना, थोड़ा एसिड डाल दो, पीएच घट जाएगा, 7 से 6.5 आ जाएगा। तो हमारे पास पीएच को कंट्रोल करने वाला भी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया को मजे है, ऑक्सीजन भरपूर, न्यूट्रेंट भरपूर, टेम्परेचर ठीक ठाक, मीडियम मस्त, बैक्टीरिया बेटा लार्ज स्केल में ग्रो करना स्टार्ट। और बैक्टीरिया का देखिए ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते जा रहा है, लॉग फेज में आ चुका है, सर हमेशा लॉग फेज में रहेगा क्या? 10 दिनों तक आप बोल रहे ग्रो कराने के लिए, हाँ तो बार बार न्यूट्रेंट ऐड करते जाओ ना, बाहर से न्यूट्रेंट ऐड करो, फ्रेश मीडियम ऐड कीजिए और यूज वाले मीडियम को हटाइए, जो यूज हो गया खराब वाला मीडियम को निकालिए, फ्रेश वाली को ऐड कीजिए, मीडियम अच्छा, टेम्परेचर ठीक, पीएच भी ठीक, सब कुछ ठीक। बैक्टीरिया बोलेगा भैया हम लॉग में ही रहेंगे, हम पढ़ाई करते जाएंगे, हम खूब सारा बैक्टीरिया बनाएंगे, ठीक है। सर आपको कैसे पता चला सर कि अंदर में खूब बैक्टीरिया ग्रो किए? आप क्या अंदर जाते हो क्या अंदर? नहीं। लास्ट वर्ड एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी ने बोला है, एनसीईआरटी के फिगर में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा है, यहां पर सैंपल पोर्ट लगा देंगे, यहां पर बेटा लगा देंगे सैंपल पोर्ट। बोले सर मतलब वहां से 1 ml सैंपल को निकाल लीजिए और देखिए वहां बैक्टीरिया कितने नंबर में, कितना बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है। 1 ml में अगर पता चल गया तो क्या 1000 liter का तुम नहीं पता कर सकते? जब चावल बनाते हो एक ही चावल निकाल के देखते हो ना कि गला है या नहीं है, ठीक ठाक बना या नहीं है, तो क्या तुम पूरे चावल का नहीं पता कर सकते? हाँ सर। तो यहाँ पर बेटा सैंपल पोर्ट है, वहां से निकाल के चेक कर लेंगे कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बेटा ग्रो कराते जाइए। यही था बेटा बायो रिएक्टर, ये था आपका स्टायरर
बायोरिएक्टर का कॉन्सेप्ट। मेरे में से बताओ किसे किसे समझ में आ गया, किसे किसे समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से उसका दे देता हूं, एक बार मैं फिर से उसका दे देता हूं। देखो ध्यान से, यही है ना फिगर दिख रहा है आपको। देखिए बेटा पहला मोटर दिखा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलो मेरे तरफ, दो मिनट मेरे तरफ ध्यान से देखना, दो मिनट मेरे तरफ ध्यान से देखना। बायोरिएक्टर का पहला रूल स्टेरिलाइजेशन। तो क्या स्टेम फॉर स्टेरिलाइजेशन दिख रहा है आपको, स्टेम फॉर स्टेरिलाइजेशन दिखा सर। क्यों स्टेम, मतलब भाप डालेंगे, हाई टेम्परेचर हो जाएगा जिससे अंदर के बैक्टीरिया फंगस मर जाएंगे। पहले सफाई करनी है, स्टेरिलाइजेशन करनी है, बोले ठीक है। सेकंड मीडियम डाल दीजिए, मीडियम का मिक्सिंग करेगा कौन, मोटर। देखिए फिगर में मोटर देखिए, आपको दिख रहा होगा मोटर, बोले सर हाँ दिख रहा है। अब सर मीडियम है, मिक्सिंग कैसे होगा, तो यहां पर देखिए इनसे आइटम क्या लिखा, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर। कुछ नहीं बेटा, जैसे तुम्हारा ऊपर में देख लो, ऊपर में फैन चल रहा है ना, बस वैसे ही ऊपर में फैन चल रहा है, वैसे ही घूमेगा, मिक्सिंग होगा। नीचे में देखो बेटा स्टेराइल एयर, नीचे से स्टेराइल एयर है ना, अब जाएगा, अरे ऑक्सीजन तो चाहिए ना, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहा। तो मिक्स करने के लिए तुमने क्या किया, तेजी से फैन घुमा रहे हो, इंपेलर घुमा रहे हो, जिससे पूरे तरफ से ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, बोले ठीक है। लेकिन सर झाग बन जाएगा, फोम बन जाएगा, बताओ एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, फोम ब्रेकर, ऊपर वाला फोम को ब्रेक, नीचे वाला मिक्सिंग, बोले सर एकदम समझ में आ गया। क्या एनसीईआरटी में फिगर में एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, तुम्हें बेटा पता चल गया पीएच 6.5 चाहिए था, हो गया 8, अरे बेटा एसिड डाल दो। सर पीएच तो 5 हो गया, 6.5 चाहना था, केमिस्ट्री तो आता है ना, बेस डाल दो। तो तुम्हारे ऊपर है एसिड बेस डाल करके अब पीएच को कंट्रोल कर सकते, चलिए ठीक है। सर और क्या है सर, बस एनसीईआरटी कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, एनसीईआरटी में ही फिगर है और सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब बताओ किसे किसे समझ में आया, सिंपल स्टायरर वाला, स्पार्जर नहीं, स्टायरर का कॉन्सेप्ट किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो स्टायरर का कॉन्सेप्ट किसे किसे क्लियर हो गया। हमने पूरे एनसीईआरटी का फिगर को, हाँ तो क्या टफ है, इसी से डरते थे, नहीं एकदम इजी है। सैंपल पोर्ट समझ में आया, एनसीईआरटी में थ्योरी में दे रखा है सैंपल पोर्ट, निकाल के चेक कर लेंगे कितना ग्रोथ हुआ है, चलिए ठीक है। सर वो तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन सर ये स्पार्जर का क्या कॉन्सेप्ट, स्पार्जर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो स्पार्जर भी पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं हम लोग कि 10 मिनट्स के लिए एक नया लिंक मैं देता हूँ, 15 मिनट्स लगेगा, 10 मिनट्स नहीं, ठीक है, 11 o'clock से पहले छोड़ दूंगा, फटाफट ज्वाइन करना, स्पार्जर बता दूंगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। डॉन स्ट्रीम प्रोसेसिंग दो पार्ट है, 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, नहीं तो फिर से अगला क्लास अगला दिन बर्बाद होगा, तो बेटर है, चलिए ठीक है। तो मैं वापस से कर दूं, लिंक जनरेट करूं, बोलो हाँ या ना, वापस एक लिंक जनरेट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। चलो बस तुम लिंक ज्वाइन कर लेना विद इन 1 मिनट, तुम्हारे ग्रुप में ही सेंड कर रहा हूं।